में हम श्री गणेश गणेश जी पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्री गणेश पर संस्कृत भाषा में निबंध। आप इन्हें पॉइंट वाइज काफ़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो पहली लाइन है वो पहला पॉइंट ही होगा, दूसरी लाइन दूसरा पॉइंट होगा, तीसरी लाइन तीसरा पॉइंट होगा। तो आप काफ़ी आसानी से इसे खुद से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी हम ऐसे देखते हैं तो गणेश सिद्ध हिंदुत्व हिंदू देवता, यानी जो गणेश है वो एक सिद्ध हिंदू देवता है। अभी हिंदू देवता ही वर्ड का यहाँ क्यों यूज किया गया है, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पे इस वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि ये हिंदुओं के देवता मान रहे हैं और ये मॉडर्न ऐसे है तो कुछ इसी प्रकार होगा। हालांकि हिस्ट्री में जाएं तो वो हिंदुओं के देव हिंदू जो हिंदू शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल के धर्म से जुड़ा। अब है शिव पार्वतीयो प्रथम प्रथम पुत्र भवती। हमारी पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार यदि हम कहें तो कार्तिकेय को प्रथम पुत्र कहा गया है, लेकिन यहाँ पे लेकिन उसे युद्ध के लिए उसका जन्म हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे जो प्रथम पुत्र गणेश को कह रहे हैं। तो शिव पार्वती हो प्रथम पुत्र भवती, तो गणेश कौन है, शिव और पार्वती के प्रथम पुत्र है। गणा नाम समूह, गणा नाम ईशा गणेश इति, तो गणा नाम ईशा गण नाम समूह, जो गण नाम का समूह है उसको कहते हैं गणा नाम, ईशा तो हो जाएगा गणेश, तो गणों का नाम जो ईश्वर हो गणों का उसे कहते हैं गणेश। सह विनायक इति नमनी अपि सिद्ध, तो उन्हें विनायक नाम से भी वे प्रसिद्ध हैं। अब विनायक यानी यहाँ पे क्या होगा, मतलब विनायक सह यानी होता है वह, विनायक इति यानी यह नमनी यानी नाम, अपि यानी भी प्रसिद्ध, अपि नाम से भी मतलब विनायक नाम से भी प्रसिद्ध। सह गज वक्त्र वर्तते, वो क्या है गज वक्त्र है। सह एव विघ्न नाशक, एव यानी होता है ही, सह यानी होता है वे, जब सा के बाद ए आ जाए तो वहाँ पे ये जो विसर्ग है वो नहीं लगता है, ऐसा ये जो पीछे की दो बिंदु होती है उन्हें विसर्ग कहा जाता है, तो विसर्ग नहीं लगता। तो क्या है, वह ही विघ्न नाशक है, जो विघ्न आते हैं हमारी उसको नाश कर देते हैं। अतः यानी इसलिए एव सह कार्याम्भे पूज्यते, इसी कार्य के लिए उन्हें पूजा की जाती है, उन्हें पूजा जाता। सह भक्त प्रिय देव, वो भक्त प्रिय देव हैं, तस्य भक्ता गणपते इति ख्याता। गणेश उपनिषद गणेश पुराणम, गणेश उपनिषद गणेश पुराणम मंगल पुराणम च, यानी कि गणेश उपनिषद गणेश पुराण मंगल पुराण और मंगल पुराणम, तस्य यानी उनकी स्तुतिम है। सह न केवलम हैंदेव अपितु बौद्ध जैन अपि पूजिता, वो जो वह यानी कि गणेश, यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, गणेश भगवान के लिए। तो वे न केवल हिंदैव यानी हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, किंतु यानी बल्कि जैन बौद्ध जो धर्म है उसमें भी, अपि यानी क्या बताया, भी पूजिता, उस धर्म जैन और बौद्ध धर्म में भी उनकी पूजा की जाती है। गणेश पौराणिक शास्त्र अनुसार, यानी कि जो गणेश पौराणिक शास्त्र के अनुसार गज सिरधार देवता रूपेण पूजिता अस्ति, तो गज सिरधारी देवता जो गज की सिर के धारण करने वाले देवता के रूप में रूपेण यानी रूप से पूजिता अस्ति, तो उस रूप से उन्हें पूजा जाता है।
तस्य एकः दन्तः अर्धः वर्तते, उनका जो एक दांत है वो अर्ध यानी आधा है। बृहदकारो तम अस्य अव्यये विलक्षणतया दृश्यते, गणेशस्य चारण देशे विविध भक्ष्यति, तत्पुरुषतः मूषिकः स्थितः वर्तते, वो है मूस की सवारी करते हैं। तो आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।